नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजना की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हाईकोर्ट भर्ती के बारे में। ग्रुप सी में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। चयन आपका इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, लिखित बेस पर किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है गौर न्यूज 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे जरूर फॉलो कीजिए नवीन अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, हाईकोर्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 187 पदों पर 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट को मौका मिलेगा। सैलरी की बात करें तो 64,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। भर्ती का पद है ग्रुप सी। आवेदन प्रारंभिक तारीख इसके 30/11/2024 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 31/12/2024 तक चलने वाले हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल उम्मीदवारों के लिए ₹347 और ST SC OBC EWS सभी उम्मीदवारों के लिए ₹197 यहाँ पर आपको जो आवेदन शुल्क रखा गया है। टोटल पद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, चिन्हित किए गए पद 63 क्लर्क के हैं, स्टेनोग्राफर के 52 हैं, ड्राइवर के 6 हैं, चपरासी चौकीदार सफाई कर्मचारी के 66 पद हैं। टोटल 187 पदों पर भर्ती निकली है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, यहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगी, जिसमें आपको सभी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। उसके बाद यहां पर अगर बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा आपके 18 से 45 साल होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो क्लर्क में शैक्षणिक योग्यता दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए क्लर्क में। स्टेनोग्राफर में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ड्राइवर में आपको 10वीं पास, कम से कम 30 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। चपरासी के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, सिग्नेचर आदि आपको लगेंगे। अगर हम बात करें तो दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी आपको 18,000 से रुककर 64,000 रुपये प्रतिमाह के आधार पर दी जाएगी। अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग सैलरी दी जाएगी, आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, लेटेस्ट में जाकर भर्ती संबंधित जानकारी पर क्लिक कर देना है। अब आपको नए पेज पर अप्लाई हेयर के क्लिक लिंक पर क्लिक करना होगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मांगी गई सभी जानकारी भरना है। अन्य सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फीस जमा करके फॉर्म का आगामी जरूरत के लिए प्रिंट निकाल कर रख लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए इस पर क्लिक कर देना दोस्तों, जिससे आप ऑफिशियल वेबसाइट हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले एंटर हो जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू HP हाई कोर्ट। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना, जिससे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पूरा रीड करिएगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।